एक बार एक बेचारा आया संतों के पास, बाबा क्या हो गया भाई, मैं अपने पड़ोसी से बहुत परेशान हूं, मुझे बात बात पर गुस्सा दिलाता है, हर दिन हमारी चिक चिक होती है, हर दिन हम लड़ते हैं, बहुत गुस्सा आता है, मेरा स्वभाव क्रोधी हो गया उसके चक्कर में, आप मुझे कुछ उपाय बताओ कि कुछ मुझे ऐसा बताओ कि मैं उसके लिए करूं ताकि लड़ाई झगड़ा रोज खत्म हो जाए। संतों ने ध्यान की, आंखें बंद की, आंखें खोली, फिर मुस्कुराने लगे, बोले बाबा जी क्या हो गया, बोले अरे भैया वो तो 6 महीने बाद मरने वाला है। बोलो जय श्री कृष्ण। 6 महीने बाद उसका समय पूरा हो गया है, बस 6 महीने तक है, फिर तो वो चला जाएगा। अब बेचारे को दया आ गई, बोले ओहो मेरा पड़ोसी 6 महीने में चला जाएगा। अब वो घर गया तो पड़ोसी तो लड़ने के लिए तैयार था, इसको दया आ गई, इसने कहा चल भैया छोड़, 6 महीने बाद तो जाने वाला है, अब क्या लड़ूं बेचारे से, अब तो दया आने लगी। अब वो सामने से लड़ाई करे पर ये शांत कर दे, ये बोले चल जाने दे भैया, जाने दे छोड़, बाद में देखा जाएगा, अभी इसको जो चाहिए करने दे, जो चाहिए ले जाए, अभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्यों, क्योंकि 6 महीने बाद जाने वाला है। संत ने कहा, बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो रोज उस पर दया करे, कुछ खाए पिए बाहर बैठकर पड़ोसी दिख जाए तो उसे भी ऑफर करे, तुम भी खाओ भैया खाओ, और वो तो लड़ाई करता था, ये उसे खाने की सलाह करे। अब धीरे धीरे उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया, वो भी शांत हो गया, झगड़ा नहीं हुए। अब 6 महीने हो गए, ये वापस आया, बोले साईं हो तना जिंदो आ जीरो जागंदो आ, वो तो गुजारे न हुए हो तां ते चौपे 6 महीना तस बाकी हां यो किए साईं 7 महीनो लगी हो अरे राम, वो तो साईं गया ही नहीं कहीं, 6 महीने पूरे हो गए, आप तो बोले कि वो चला जाएगा, कौन चला जाएगा। संतों ने कहा कौन कौन जाएगा भाई, बोले आपने कहा था ना आपका पड़ोसी, बोले मैंने कब कहा तुम्हारा पड़ोसी चला जाएगा, मैंने तो सिर्फ कहा था कि वो 6 महीने में चला जाएगा, तो कौन जाएगा। संतों ने कहा था मैंने देखा था कि 6 महीने में तुम्हारा क्रोध चला जाएगा, मुझे विश्वास था कि 6 महीने के अंदर तुम्हारा क्रोध चला जाएगा, तुम्हारे अंदर दया आ जाएगी, यही देखकर मैंने बताया था। बोलो जय श्री कृष्ण। संतों के चरणों पर गिर पड़ा, बोले बाबा किसी भी प्रकार आपने मेरा क्रोध शांत कर दिया, मुझ पर कृपा कर दी, अब तो हमारी लड़ाई भी नहीं होती पड़ोसी के साथ। बोलो जय श्री कृष्ण।